मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 4D. क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड. फर्स्ट वाले को, फर्स्ट इंटीजर को सेकंड वाले से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड, फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है किससे, सेकंड से. क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन बी, 270 एंड माइनस 10. वी कैन राइट इट लाइक दिस, 270 फ्रॉम माइनस 10. ठीक है, इस माइनस 10 से 270 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकेंड. ये फर्स्ट इंटीजर हमारा, ये सेकेंड इंटीजर, इस सेकेंड इंटीजर से हम लोग को फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. मतलब माइनस 10 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर, यह माइनस 10, ये माइनस 10 था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस 10. सब्ट्रैक्ट करना है ये साइन माइनस का, और फिर किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 270 को. 270 यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो क्या है, ये पॉजिटिव है. ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर भी साइन है और ब्रैकेट के बाहर भी साइन है. जब दोनों लगातार साइन हो जाता है तो क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. ये माइनस 10 टू माइनस 10 ही लिखा जाएगा, माइनस इंटू प्लस, ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये 270. ठीक है, ये है माइनस 10 और ये है माइनस 270. दोनों देखिए, दोनों क्या, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है. ठीक है, जब सेम साइन होता है तो नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. तो 10 प्लस 270 क्या हो जाएगा, 280. ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस 275 एंड ज़ीरो, मीन्स माइनस 275 को किसे सब्ट्रैक्ट करना है, ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम ज़ीरो, ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करना है. विल राइट लाइक दिस, ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, किसको करना है, माइनस 275 को, माइनस 275 को. ठीक है, ज़ीरो से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ज़ीरो सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर माइनस 275. यहाँ पे देखिए, यहाँ भी साइन, बाहर भी साइन है, अंदर भी साइन है, तो दोनों साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा. लगातार साइन होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है. ये ज़ीरो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव. ठीक है, और वैसे भी ज़ीरो का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है. माइनस इंटू माइनस, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ब्रैकेट के अंदर भी साइन हो, ब्रैकेट के बाहर भी साइन, तो साइन मल्टीप्लाई हो जाता है. माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 275. ठीक है, ज़ीरो प्लस 275 कितना होगा, 275. द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एफ, माइनस 2910 और किसे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 3920 से. वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस 2910 फ्रॉम माइनस 3920, माइनस 3920 से. और ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले लिखाता है. ठीक है, माइनस 3920 से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 2910 को, माइनस 2910. ठीक है, अब यहाँ देखिए दो साइन लगातार हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर भी साइन है, ब्रैकेट के बाहर भी साइन है, तो ऐसे क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, ये माइनस 3920 को दोबारा लिख देंगे, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस. ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2910. अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस 3920 है और ये प्लस 2910 है. ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऑपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं, नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, बाय इग्नोरिंग द साइन, अभी साइन ही देखेंगे, बस बड़े वाले से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहाँ पे मेरा बड़ा कौन है, 3920, और यहाँ छोटा कौन है, 2910. ज़ीरो में से ज़ीरो गया तो ज़ीरो, टू में से वन सब्ट्रैक्ट हुआ तो वन, नाइन में से नाइन सब्ट्रैक्ट हुआ तो ज़ीरो, और थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट हुआ तो वन. ठीक है, अब साइन की बारी, बड़ा कौन है, 3000 वाला बड़ा है,
तो 3000 वाला का साइन क्या है? माइनस. विल राइट ओवर योर माइनस. ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाई का भी रूल यूज़ कर रहे हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी रूल यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, इंसर्ट लेस और ग्रेटर साइन. क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन सी. -7 प्लस -10, इधर है राइट में -7 माइनस ब्रैकेट में -10. ठीक है, पहले हम सॉल्व करेंगे कि कौन बड़ा है, उसके बाद हम साइन पुट करेंगे. यहाँ देखिए, ये यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दो लगातार साइन हो रहा है तो क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ये -7 तो -7 ही लिखा जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस -10. ठीक है, ये -7 और ये -10 दोनों सेम साइन है, जब सेम साइन होता है तो क्या होता है, नंबर्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज 7 + 10 = 17. अब साइन की बारी आई, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, नाउ दिस साइड, राइट हैंड साइड, -7 ब्रैकेट के अंदर भी माइनस और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, जब दो लगातार साइन होता है तो क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ये -7 को -7 ही लिख देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 10. ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 10, ये 7 है माइनस और 10 है प्लस, ऑपोजिट साइन है, जब ऑपोजिट साइन होता है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो 10 में से 7, अभी साइन हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे छोटे वाले को बड़े वाले से. तो 10 से 7 सब्ट्रैक्ट हो कितना होगा, 3. ठीक है, और कौन बड़ा था, 10 बड़ा है, तो 10 का साइन क्या है, प्लस है, विल राइट ओवर हियर प्लस. ठीक है, तो -17 बड़ा या +3 बड़ा, राइट साइड में कौन आएगा, नंबर लाइन पर अगर करेंगे तो पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है पॉजिटिव, तो हमारा साइन किधर का आ रहा है, इधर का. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, -15 माइनस ब्रैकेट में -15, इधर -15 -15. ठीक है, यहाँ पे देखिए दो लगातार साइन हो रहे हैं, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये -15 और माइनस इंटू माइनस +15. ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये -15 और +15, -15 और +15 मिलकर कितना हो जाएगा, 0. जब एक ही नंबर के नेगेटिव वाले भी हो और पॉजिटिव वाले भी हो तो क्या हो जाता है, 0. नाउ राइट हैंड साइड, ये -15 और ये भी -15, दोनों सेम साइन है, सेम साइन है तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, दैट इज 15 + 15 = 30. और साइन यहाँ भी है माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस. ठीक है, ये कॉमन हो रहा था, यहाँ माइनस, तो ये भी माइनस. अब 0 बड़ा या -30 बड़ा, नंबर लाइन पे पहले कौन आएगा, राइट हैंड साइड में कौन आएगा, 0 आएगा. तो आंसर इज दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन ए. द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 50. सम मतलब एडिशन, जो एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सम. दो इंटीजर्स को ऐड करने के बाद सम कितना आया है, 50 आया है. ठीक है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 50, मतलब दो इंटीजर्स को ऐड किए कितना आया, 50 आया. इफ़ वन ऑफ द इंटीजर्स इज -30, बोल रहा है कि एक इंटीजर, दो इंटीजर है, ठीक है, दोनों को ऐड किया गया तो कितना आया है, 50 आया है. वन ऑफ द इंटीजर्स, दो इंटीजर में कोई एक इंटीजर जो है वो -30 है, डिटरमाइन द अदर, वी हैव टू डिटरमाइन द सेकेंड वन. ठीक है, यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है, मेरा सम ऑफ टू इंटीजर्स क्या है, सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना है, इज 50. ठीक है, वन ऑफ द इंटीजर इज -30, वी कैन राइट हियर फर्स्ट इंटीजर कितना है, -30. वी हैव टू फाइंड व्हाट, डिटरमाइन द अदर, सेकंड निकालना है, देयरफॉर सेकंड इंटीजर वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, पहले क्या करेंगे, लेट द सेकंड इंटीजर बी एक्स, हम लोग सेकंड इंटीजर को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे. लेट द सेकेंड इंटीजर, हम लोग उसका वैल्यू पता नहीं है इसलिए क्या हम लोग ये लेट किए हैं, लेट द सेकेंड इंटीजर बी एक्स. ठीक है,
वी कैन राइट लाइक दिस कि -30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला क्या है, -30 है, और x को 32nd वाला, दोनों को ऐड किए तो सम कितना आ रहा है मेरा, 50 आ रहा है। ठीक है, ये आपको हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है कि x कितना होगा। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग, जब भी कोई नंबर या फिर इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शन, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, ये इक्वल टू का साइन है, जब एक साइड से दूसरे साइड जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा, तो उसका साइन क्या होता है, बदल जाता है। जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस बन जाता है, जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड बन जाता है, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई बन जाता है। जब भी एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है कोई भी नंबर, इंटीजर या फ्रैक्शन, तो उसका साइन बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक्स निकालना है मुझे, मतलब इसको यहाँ से हटाना होगा, ये इधर माइनस में है, ये -30 है, तो ये जब इधर आएगा इक्वल टू के, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +30 हो जाएगा। ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स को अकेले रखना है, ठीक है, एक्स निकालना है, दैट इज सेकेंड इंटीजर निकाला, तो हम लोग उसको अकेले रखेंगे, एक्स इज, ये 50 का 50 रहेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे, जो दूसरा नंबर दूसरी तरफ से आ रहा है वो बाद में लिखेगा। जैसे ये -30 है, इक्वल टू किधर आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, पहले LHS में था, अब हम लोग राइट हैंड साइड में ला रहे हैं, RHS में ला रहे हैं, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आके +30 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आया, 80, एक्स कितना आया, 80, तो सेकेंड इंटीजर हमारा क्या है, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 80। ठीक है, क्या था हमारा यहाँ पे, सम ऑफ टू इंटीजर्स दिया हुआ था 50, फर्स्ट इंटीजर दिया हुआ था -30, वी हैव टू डिटरमाइन द सेकेंड अदर वाल, तो अदर वाले को क्या, हम सेकेंड वाले को क्या माने, लेट किए, एक्स लेट किए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, लिख सकते हैं कि -30 और एक्स, दैट इज़ फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले को जब ऐड करेंगे तो सम कितना आया मेरा, 50 आया है। ठीक है, एक्स मुझे यहाँ पे निकालना है, मतलब ये -30 को यहाँ से हटाना होगा। जब भी कोई इंटीजर, नंबर या फ्रैक्शन साइड बदलता है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है, तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे -30 था, तो इधर क्या हो जाएगा, +30। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन बी, द सेम थिंग, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -567। दो इंटीजर का सम कितना दिया हुआ है, -567। इफ़ वन ऑफ देम इज 33, एक कोई भी इंटीजर क्या दिया हुआ है, 33, डिटरमाइन द अदर, हमने दूसरे वाले को निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ टू इंटीजर्स दिया हुआ है, सम ऑफ टू इंटीजर्स कितना है, -567। ठीक है, वन ऑफ देम, सपोज फर्स्ट मान लेते उसे, फर्स्ट इंटीजर कितना दिया हुआ है, 33, वी हैव टू डिटरमाइन द अदर, देयरफॉर सेकेंड इंटीजर हमें निकालना है। ठीक है, सेकेंड इंटीजर निकालना है, तो क्या करेंगे, सेकेंड इंटीजर को एक्स लेट कर लेंगे, लेट द सेकेंड इंटीजर बी एक्स, लेट द सेकेंड इंटीजर बी एक्स। ठीक है, अब सम कितना है, -567, फर्स्ट वाले को सेकेंड वाले को ऐड करेंगे, डेट इज़ 33 प्लस एक्स। ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला जब ऐड हुआ तो कितना आया सम हमारा, -567। ठीक है, एक्स को निकालना है, मतलब ये 32 को यहाँ से हटाना होगा, तो 33 क्या है, कुछ नहीं, तो क्या मानेंगे यहाँ पे, क्या है, प्लस है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, अगर कोई भी नंबर, इंटीजर या फ्रैक्शन दूसरे साइड जाता है तो वो अपना साइन बदल देता है, प्लस वाला है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, पहले यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू -567, ये जैसे लिखा हुआ इक्वल टू के बगल में उसको वैसे ही लिखेंगे, -567। ठीक है, इधर ये प्लस में, इधर आ गया हो जाएगा -33 बन जाएगा।
ठीक है। अब देखिए ये -567 और ये -33, दोनों साइन सेम है, साइन सेम होता है तो नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और फिर जो कॉमन साइन होता है हम लोग वो लगा देते हैं। डेट इज़ 7 + 3 = 10, 1 कैरी, 6 + 3 = 9, 9 + 1 कैरी वाला 10, फिर 1 कैरी, 5 में 1 ऐड होगा तो 6, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -600, ठीक है। स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 4D, नाउ यू एबल टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।